सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरडाड़ी में रास्ते की विवाद में हुई मारपीट में ग्राम प्रधान की मौत के बाद थाने में 7 आरोपियों पर दर्ज नामजद सभी 7 अभियुक्तों को सहजनवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन तारडा ने बताया कि सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरडाड़ी में पंचायत भवन के सुंदरीकरण हेतु ले जाए जा रहे सामान लदे ई रिक्शा को रास्ते से हटाने की बात को लेकर गांव के कुछ लोगों द्वारा ग्राम प्रधान जनकधारी पुत्र फूलदेव निवासी ग्राम सेमरडाडी थाना सहजनवा को लाठी डंडों से बुरी तरह से मार पीट कर हत्या कर दिया गया था, जिसमें 7 नामजद अभियुक्तों को सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम महराबारी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चंद्रभूषण उर्फ चिंता पुत्र बौद्ध, मार्कंडे पुत्र बौद्ध, नित्यानंद पुत्र चंद्रभूषण, सत्यानंद पुत्र चंद्रभूषण, शिवानंद पुत्र चंद्रभूषण, विनय प्रभाकर पुत्र मार्कंडे, विपिन प्रभाकर पुत्र मार्कंडे निवासी सेमरडाडी थाना सहजनवा शामिल है। SSP डॉक्टर विपिन तारडा ने बताया कि 14 सितंबर को 7 अभियुक्तों को ग्राम महराबारी के पास से गिरफ्तार किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त विनय प्रभाकर पुत्र मार्कंडे के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक डंडा बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में सहजनवा थाना प्रभारी देवेंद्र लाल, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह यादव, अनीश कुमार शर्मा, सुशील यादव, राजकुमार ओम प्रकाश यादव, कांस्टेबल पंकज शर्मा, श्री प्रकाश यादव, अभिषेक पांडे, विजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन तारडा ने कहा, सहजनवा थाना क्षेत्र में सेमरादाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच ईंट पत्थर चले, जिसमें कि पत्थर लगने से एक व्यक्ति चोटिल हो गया था और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई वो ग्राम का प्रधान था और इनका झगड़ा अपने ही पट्टीदारों के साथ हुआ था गाड़ी रास्ते को हटाने को लेकर। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें परिजनों द्वारा 7 लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने 7 ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।